सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि यार कल का जो वीडियो था ना, उस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा है, पार्ट 2 में हम लोग ने क्या ख़त्म किया है। ये तो पार्ट 1 में हो चुका है सर। हाँ जी, ये सब हो चुका है, जाना पहचाना लग रहा है, ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा भाई मेरे, वो होगा, ये सारे तो ख़त्म कर चुके हैं हम जितना मेरे को याद है। हाँ जी सर, ये तो ख़त्म हो चुका है सर। बैंकिंग सेक्टर, हाँ, एक फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने बैंकिंग सेक्टर ख़त्म किए, उसके बाद हम लोग ने देखा ये म्यूचुअल फंड्स वाला देखे हमने, है कि नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर्स वाले देखे। उसके बाद थोड़ा होमवर्क दिया था मैंने, किया कि नहीं तुम लोगों ने, बताओ मेरे को फटाफट कमेंट में बताना होमवर्क किया कि नहीं। होमवर्क इन ए सेंस कौन सा, इन सब का नोट्स बनाने के लिए बताया था ना मैंने कि हाँ इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो लिख के रखो, याद आ रहा है कुछ? अभी कहाँ याद आएगा, अभी तो याद नहीं आएगा। होमवर्क का बात बोलने से कहाँ किसी को याद रहता है, बताओ। जो होनहार बच्चे हैं वो कमेंट करियो कि हाँ सर मैंने लिख के रखा है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स से, ठीक है। थोड़ा रंग बिरंगा लग रहा है ये पिक्चर जो आपके सामने आ रहा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने मार्क करके रखा है पहले से, सो दैट आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा स्किप कर सकते हैं हम लोग। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में देखना है, ठीक है भाई। याद रखनी हो इतना चीज कि इसमें जो है ना CSET का जो सिलेबस है, उन लोगों ने जिस प्रकार से उनको उन्होंने बनाया है सिलेबस, ऐसा बनाया कि उन्होंने नेट गूगल किया, ठीक है, पर्टिकुलर वेबसाइट में गए, वेबसाइट में जितना इन्फॉर्मेशन है सब डाल दिए। तो कभी कभार आप देख पढ़ने के टाइम में आपको मिलेगा, अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। आपके PDF के नोट्स में लिखा होगा www.soandso वेबसाइट, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट वेबसाइट। तो बात यह है कि यार इंस्टीट्यूट के पास इतना टाइम नहीं था कि जो रिलेवेंट फैक्टर्स है, रिलेवेंट फैक्ट्स है, वो अच्छे तरीके से वो लोग एक जगह पे लिख के रखे और ड्राफ्ट करे, अपना अच्छा सा मटेरियल एक बनाए। नहीं, उनको बस इतना था कि यार नहीं, अपने को जो भी वेबसाइट में कॉपी एंड पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? ये ट्रुथ है, बहुत भयानक ट्रुथ है। तो सुनो एक बात, हाँ, कंपनी लॉ वाला जो सेक्शन है वो बढ़िया उन्होंने बढ़िया मतलब ड्राफ्ट किया, अच्छा है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब उन्होंने जितना मिला इन्फॉर्मेशन सब घुसेर दिए। बोले कि बेटा आपका तो मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे हम लोग, ICICI वालों ने सोचा। लेकिन यार जब तक आप होनार बच्चे रहोगे और पढ़ोगे अच्छे से, तो कैसे कोई आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है भाई मेरे, कोई कुछ नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देख, जितना रिलेवेंट है उतना ही कराएंगे, ठीक है। उतना मार्क करना, उतना नोट्स बनाना, उतना ही पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए ना बहुत कुछ है ज़िंदगी में। समझ में आ रहा है? आ जाओ, सबसे पहला देखेंगे कि यार पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपने को क्या जानने को मिलता है। हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप थ्री बैंक्स, तीन बैंक्स बनाए उन्होंने। कौन सा सर? एक तो बैंक है कि, हाँ जी, बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, नाउ इज मुंबई, राइट? सो दैट इज बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन फेमस बैंक्स थे उस टाइम में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फाउंडेड बाई हुम, सेट अप बाई हुम? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीन बैंक बनाए उन्होंने। उसके बाद देखो, वेल लेटर मर्ज्ड एंड कॉल्ड इंपीरियल बैंक। उसके बाद उन्होंने क्या किया यार, बना तो लिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको मर्ज भी कर दिया, तीनों को मर्ज करके, मर्ज मतलब एक साथ मिला के उन्होंने एक बैंक बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने इंपीरियल बैंक, ठीक है। और जो ये इंपीरियल बैंक है ना, इसको टेक ओवर कर लिया किसने, टेक ओवर बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? इसको टेक ओवर किसने किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद RRB के बारे में सोचेंगे हम लोग, समझेंगे हम लोग। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, ठीक है, 1935। तो फॉलोड बाय, उसके बाद रिजर्व बैंक के बाद कौन सा बैंक आया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक एंड इंडियन बैंक। कितना पुराना बैंक है, अपने को लगता है कि यार ये बैंक तो हम लोग ने सुना ही नहीं है, क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट नहीं होता ना इतना। एडवर्टाइजमेंट कहाँ होता है बताओ, नहीं होता है इतना एडवर्टाइजमेंट। लेकिन दे आर दी ओल्डेस्ट गवर्नमेंट बैंक्स, ओके, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक एंड इंडियन बैंक, इतना पता चल चुका है। ओके यार, ये 1969 में क्या हुआ है सर, ये जो मार्क किया आपने, देखो 1969 का जो डेट है ना, अच्छे से मार्क करके रखना, क्योंकि यहाँ पे ना 14 मेजर स्केड्यूल बैंक्स, या फिर शेड्यूल बैंक कुछ भी कह लो, 14th मेजर स्केड्यूल बैंक कह लो, शेड्यूल बैंक कह लो, ठीक है, स्केड्यूल इट्स अ
अमेरिकन टर्म एंड शेड्यूल इज़ अ ब्रिटिश टर्म, ठीक है। शेड्यूल इज़ अ ब्रिटिश टर्म, ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग शेड्यूल कहते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में स्केड्यूल कहते हैं। तो कुछ भी कह लो यार, शेड्यूल पढ़ते चलो हम लोग। तो दैट 14 मेजर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैविंग अ डिपॉजिट ऑफ मोर देन INR 50 करोर वेयर नेशनलाइज, ठीक है। तो 14 ऐसे बैंक्स हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स थे जिनका डिपॉजिट था कितना, 50 करोड़, उसको नेशनलाइज किया गया। अगर आपको जानने का इच्छा है कि कौन से वो 14 बैंक्स हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, अलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे बैंक्स हैं, ओके। तो उसके बाद सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में क्या घटना घटा देखो। द सेकेंड वेव नेशनलाइज किया 6 बैंक्स को, ठीक है। पहले 14 बैंक्स तो नेशनलाइज किए गए, उसके बाद कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए, 6 बैंक्स, ओके, विथ डिपॉजिट। अच्छा, कौन से बैंक्स थे, एक है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक, ठीक है। तो इनके पास डिपॉजिट कितना था तब, 200 करोर, ठीक है, एंड अबव, वेयर नेशनलाइज अप्रैल 1980, ठीक है। तो सारे बैंक्स का ऐसा नहीं था कि 200 करोड़ ही था, मिनिमम 200 करोड़ था, और उनका किसी का उससे ज़्यादा भी था, समझ में आ रहा है। 200 करोड़ एंड अबव वेयर नेशनलाइज इन अप्रैल 1980, तो ये डेट याद रखियो। 1969 को क्या हुआ, 14 मेजर बैंक्स, और 1918 को और 6 मेजर बैंक्स को क्या किया, नेशनलाइज किया गया, समझ में आ रहा है। नाउ द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद सब अगर जोर डाल के अगर हम लोग सोचे कि यार कितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स निकला, तो वो था कि 28 पब्लिक सेक्टरल बैंक निकला। ये 28 इन अप्रैल का मतलब अप्रैल का 28 का डेट नहीं बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, देखो अच्छे से, विद द नेशनलाइजेशन ऑफ द 6 बैंक्स द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स रोज टू 28 इन अप्रैल 1980। अप्रैल 1980 को 28 बैंक्स हो चुके थे, कितना सर, 28, कितना सर, 28, क्या सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भाई मेरे, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें से, कुछ उतना रेलेवेंट है नहीं पढ़ने को, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्या है, देखो क्या बोला यहाँ पे, द लार्जेस्ट ऑफ द मर्जर, मतलब सबसे बड़ा मर्जर जो हुआ था ना, वो अनाउंस हुआ था पंजाब नेशनल बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एंड यूनाइटेड बैंक, तीन है। देखो सबसे बड़ा जो मर्जर हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली इट्स द फर्स्ट मर्जर, ठीक है। थर्ड मर्जर के बारे में इन्होंने कोई बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन सेकेंड एंड फोर्थ मर्जर तो है। तो फर्स्ट मर्जर क्या था, लार्जेस्ट ऑफ द मर्जर, सबसे बड़ा मर्जर कब हुआ था, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक जो है ना, वो एमलगेमेट किए गए, मतलब एक साथ मिलके एक बैंक बनाया गया, उसका नाम क्या दिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, सर पंजाब, आपने बोला कि पंजाब नेशनल बैंक विथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक, तीन बैंक को मिला के एक बैंक बनाया गया, उसके बाद भी सर आजकल तो हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के बारे में सुनते हैं, है तो सर चर्चा में तो है पंजाब नेशनल बैंक। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, तीनों को मिला के कोई नया नाम नहीं दिया, तीनों को मिला के एक ही नाम दिया गया जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि दिस बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। और फर्स्ट कौन सा है बेटा, फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखियो, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो हुआ था वो कौन सा था बताओ फटाफट, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके ऊपर फर्स्ट, अगर किसी ने पूछा फर्स्ट कौन सा है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी एक चीज़ याद रखना कि ये बस सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक तो बन चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स नेटवर्क्स ना, ब्रांचेस, जो इसका इतना ज़्यादा ब्रांचेस है उसको भी अगर हम लोग काउंट करें तो ये सेकेंड नंबर में आता है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट ब्रांच नेटवर्क्स, बहुत सारे ब्रांचेस है इसका, ठीक है। अगर ब्रांचेस का याद रखना है नंबर, तो ये है 11,437 ब्रांचेस, क्लियर है, याद कर सकते हो क्योंकि दिस इज़ अ फेमस थिंग विच हैपेंड, राइट, 11,437 ब्रांचेस। तो द सेकेंड मर्जर जो है ना, सेकेंड मर्जर
सेकेंड मर्जर में क्या हुआ, सेकेंड मर्जर में ये हुआ सर कि कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का जो मर्जर है वो अनाउंस किया गया, और उससे सर क्या हो गया, उससे ये हो गया कि वो फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा इतना ही हुआ कि यार सिमिलर बिजनेस कल्चर्स थे उनमें, ठीक है, और स्मूथ ट्रांजैक्शंस होने लग गए। ओके, दो बैंक जब मिलके एक ही पर्टिकुलर बैंक बन जाए और उससे वो लोग काम करना स्टार्ट कर दे तो यार ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाए। तू एक काम देख लियो, मैं एक काम देख लूँगा, टेंशन मत कर लियो कैनरा बैंक, और टेंशन मत कर लियो सिंडिकेट बैंक, ऐसे तो भाईचारा में काम होता होगा ना, दो चीज़ एक साथ हो गए है कि नहीं। अगर घर में आप अकेले हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर दी ओनली सन और दी ओनली डॉटर ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस, देन यार क्या हो जाता है ना यार, उनमें बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है, बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, प्रेशर होता है फैमिली का, इसका उसका, है कि नहीं। लेकिन अगर घर में पकड़ लो यू आर टू सिस्टर्स, ओके, यू हैव अनदर सिबलिंग, या फिर यू हैव अनदर ब्रदर, ठीक है, टू ब्रदर्स टू सिस्टर, वन ब्रदर वन सिस्टर, अगर एक बंदा और है कि घर पे, ठीक है, सिबलिंग एज ए सिबलिंग, तो क्या हो जाता है यार, टेंशन थोड़ा कम रहता कि यार ज़िंदगी में कहीं कहीं मुकाम पे अगर अटक जाए ना तो दूसरा भाई जो है या फिर बहन जो है वो देख लेगी, वो संभाल लेगी मेरे को। तो वो एक फीलिंग होता है, डिपेंडेंट वाला फीलिंग होता है कि नहीं। तो इससे एक नेगेटिव चीज़ भी होता है भाई, नेगेटिव चीज़ ये होता है कि एक बंदा अच्छा बन जाता है, एक बंदा बुरा बन जाता है, या फिर एक बंदा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, एक बंदा थोड़ा कम सक्सेसफुल होता है, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि नहीं। बहुत मिनिमम केस के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे तो बहुत ही होनहार है जितने भी है कि नहीं, सब लोग एकदम बवाल करने वाले अपने लाइफ में। आ जाओ द फोर्थ मर्जर देख लेते हैं, फोर्थ मर्जर क्या होता है। फोर्थ मर्जर में देखते कि इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक का मर्जर अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक का मर्जर अनाउंसमेंट हुआ। दिस टू वुड लीड टू अ डबल ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वुड ऑल्सो लेड टू अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर स्केलिंग अप ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ द टू बैंक्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस डबल हो गया, फ़ायदा डबल हुआ सब चीज़ का। अगर आप नेटवर्क्स के बारे में कह लो, ठीक है, ब्रांचेस के बारे में कह लो, तो बहुत फ़ायदा हो गया ना। तो यही है, तो फ़ायदा तो सब बैंक्स के एक ही प्रकार का होता है, तो फ़ायदा नहीं देखना, फ़ायदा नुकसान इतना नहीं पढ़ना है मेरे को, बस इतना याद रखना है कि सेकेंड मर्जर में कौन सा हुआ था, कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक का हुआ था, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। उसके बाद फोर्थ मर्जर में क्या हुआ, इंडियन बैंक एंड अलाहाबाद बैंक। क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है भाई, बताओ ना, आओ इधर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अब, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चलो क्या बताएं यहाँ पे, देखो रीड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रेफर्स टू दोज बैंक्स, यार प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद नहीं रहे तो बहुत ही गंदा बात है, आपको याद रहना चाहिए, फिर भी मैं एक बार पढ़ा लेता हूँ, आ जाओ। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रेफर्स टू दोज बैंक्स वेयर मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड्स। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, जो कि उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो उस कंपनी का शेयर कैपिटल है, बैंक का शेयर कैपिटल है, वो प्राइवेट हैंड्स में रहता है, प्राइवेट बंदों के पास रहता है। अगर ये पकड़ लो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया तो गवर्नमेंट बैंक हो जाएगा ना वो, तो समझ में आ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं अब। दोज बैंक्स वेयर मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड्स। इन इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। इंडिया में दो प्रकार के प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि एक है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, याद रख पाओगे, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस ये है कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज विच एग्जिस्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स बट वे आर नॉट नेशनलाइज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ओके, और सम अदर रीजन। ये है ओल्ड वाले, ठीक है। जब ना ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, याद रखियो ये जो बैंक्स है ना, जब देखो मैं बताता हूँ आपको, जब ये जो पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक और बहुत सारे बैंक्स जो है ना, ये सारे जब नेशनलाइज्ड हुए, देखो अच्छे से, नेशनलाइज जो हुए हैं, ठीक है, हुए हैं ना नेशनलाइज, देखो नेशनलाइज्ड ये दिख रहा है, अभी मैंने मार्क कर दिया, ये नेशनलाइज हुए थे। तो तब क्या था, तब भी ये सारे बैंक्स जो है ना, कौन से सारे सर, ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक्स है ना वो अवेलेबल थे, लेकिन वो जो है ना नेशनलाइज नहीं हो पाए। किस प्रकार से नेशनलाइज नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत छोटे मोटे बैंक्स थे ना, या फिर कुछ अदर रीजंस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बोला है उन्होंने स्मॉल साइज और सम अदर रीजंस। उसके बाद देखो, आफ्टर द बैंकिंग रिफॉर्म्स, जब बैंकिंग रिफॉर्म्स आया, दिस बैंक्स गॉट लाइसेंस टू कंटिन्यू एंड हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया अलॉन्ग विद द न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स।
ठीक है। तो ये जो ओल्ड बैंक्स है ना, ठीक है, जब बैंकिंग रिफॉर्म्स आया ना, अभी पूछोगे कि यार बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है, ये जो बैंकिंग रेगुलेशंस है, बैंकिंग जो रेगुलेशंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यार, ये सेबी आया था, सेबी रेगुलेशंस लाया था, ठीक है, किसके लिए सर, जो कि लिस्टेड होने चाहते हैं, ठीक है, जो कि लिस्ट होना चाहते हैं, अपना शेयर्स जो है वो लिस्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिकली अपना शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ओके, तो उनके लिए क्या सेबी आया था, सेबी रेगुलेशंस लाया, तो बैंकिंग रेगुलेशंस भी आया था, ओके, ब्रॉट बाय आरबीआई, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद से क्या हुआ कि इन सारे जो बैंक्स हैं ना, इनको भी लाइसेंस मिल चुका था, इनको भी लाइसेंस मिल चुका था कि हाँ जी बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बैंकिंग सेक्टर में हो, आप भी हो, जिंदा हो, आप भी आराम से करो बैंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दे हैव स्टार्टेड एग्जिस्टिंग इन इंडिया अलॉन्ग विद होम, अलॉन्ग विद न्यू बैंक्स, न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड द गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स, ओके। तो दो प्रकार के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर, एक न्यू प्राइवेट सेक्टर। ओल्ड कौन सा है सर, ओल्ड वो है जो कि नेशनलाइज, बाकी सारे बैंक्स जब नेशनलाइज हो रहे थे ये बैंक्स छूट गए, ये बैंक्स छूट गए क्योंकि बहुत छोटे थे या फिर कुछ अदर रीजंस की वजह से वो लोग नेशनलाइज नहीं हो पाए, इतना पुराना ज़माना का बैंक्स है, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। और न्यू तो भाई न्यू मतलब नया नया जो बैंक्स आए हैं एंड गवर्नमेंट बैंक्स, दिस आर नोन एज द न्यू एंड गवर्नमेंट बैंक्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्मॉल प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्मॉल प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पर बोला कि देखो स्मॉल प्राइवेट बैंक्स आर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द लाइसेंस टू ऑफर फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग। हाँ तो बैंक्स का तो यही काम होता है, डिपॉजिट क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है और पैसा क्या करता है लोन देता है, लेंडिंग करता है कि नहीं, ये फंडामेंटल बैंकिंग सर्विस है उनका। बाकी सर्विसेज जो नए नए बैंक्स ला रहे हैं वो अलग सिस्टम के है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, अलग सर्विसेज है, सही बात है, लेकिन नॉर्मल बैंक्स का फंडामेंटल सर्विस क्या रहता है, एक तो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन जो है वो देना, है कि नहीं। और पता है एक चीज़ यार, जब कंपनी लो पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे कि यार ये जो बैंकिंग सेक्टर्स है ना, बैंकिंग सेक्टर्स है, बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, उनको एग्जेम्प्ट मिला है पब्लिक डिपॉजिट लेने में, मतलब वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनका काम ही है पब्लिक डिपॉजिट लेना। टॉपिक होगा एग्जीक्यूटिव लेवल में, जब आप पढ़ने वाले हो पब्लिक डिपॉजिट तब आपको पता चलेगा कि यार पब्लिक डिपॉजिट जो है कौन कौन ले सकता है, ठीक है, उसमें से क्या है कि पब्लिक डिपॉजिट ले सकता है अपना बैंकिंग सेक्टर्स वाले, बैंकिंग कंपनीज जो है वो तो बिंदास ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट, बिकॉज दिस इज देयर मॉरल फंडामेंटल सर्विस दैट दे गिव टू दी पीपल, इजन इट। तो मैंने बस वो रिलेट करके बोला क्योंकि जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे चले जाओगे तब आपको याद रहेगा, हाँ यार सर ने बोला था यार एग्जेम्प्ट हुआ है, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। इधर आ जाओ, देखो क्या बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग, इतना पता चल चुका है सर। उसके बाद बताओ द एम, एम क्या है, प्रोवाइड फिनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फिनेंशियल सर्विसेज कह लो, फिनेंशियल सपोर्ट कह लो, टू दोज सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ नॉट सर्व बाय द अदर बैंक्स। बाकी सारे बैंक्स जो जिस सेक्टर को, जिस सेक्शन को या फिर जिस इकोनॉमी के एरियाज को जो फंडिंग नहीं देता है ना, बैंक सर्विसेज नहीं देता है दूसरे बैंक्स, तो ये बैंक्स जो है स्मॉल प्राइवेट बैंक्स वो लोग देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको एक चीज़, देखो स्मॉल प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और लैंडिंग, सॉरी हाँ डिपॉजिट लेते हैं और लैंडिंग देते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये उन सेक्टर्स को, उन इकोनॉमिक सेक्टर्स को, ठीक है, उन सोसाइटी के उस पोर्शन को वो लोग फिनेंशियल हेल्प करते हैं जिस पोर्शन को दूसरे बैंक से सपोर्ट नहीं मिला है या फिर नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है भाई मेरे, दिक्कत नहीं होगा, आ जाओ। लाइक स्मॉल बिजनेस यूनिट, छोटे छोटे बिजनेसेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑथराइज्ड सेक्टर, इनको तो नहीं मिल पाता ना। तो अभी हम लोग देखेंगे द लिस्ट ऑफ स्मॉल प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, ठीक है, कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं, ये आप बस जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि हाँ ये है। और यार अगर आप सोचोगे कि यार इसको याद रखना है सर, याद नहीं रखोगे तब भी आपको याद रहेगा, कैसे कि हर वर्ड में स्मॉल है, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फिनेंस बैंक, जना स्मॉल फिनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फिनेंस बैंक, AU स्मॉल फिनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फिनेंस बैंक, फिनेंस, उसके बाद फिनेंस स्मॉल फिनेंस बैंक,
सॉरी फिनकेयर स्मॉल फिनेंस बैंक, उसके बाद ESAF स्मॉल फिनेंस बैंक, ये सारे बैंक्स के नाम है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फिनेंस बैंक। तो याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे डर रहे थे सर ये याद कैसे रखेंगे, अगर ऑप्शन में दे दिए तो कैसे याद करेंगे सर ये वाला बैंक है कि नहीं। अरे भाई स्मॉल है ना, समझ में आ रहा है। और जो प्रथम वर्ड है बहुत विचित्र वर्ड है, देखो उज्जीवन, ठीक है, जना, ये सब याद, इक्यूटस, ठीक है, फिनकेयर, समझ में आ रहा है, कितने सारे हैं भाई, AU, ओके, नॉर्थ ईस्ट, इतना तो याद रख पाओगे, सूर्योदय, देखो सूर्योदय स्मॉल फिनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक, अरे भगवान, भयंकर इंटरेस्टिंग। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, हाँ जी बताओ फटाफट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, उसके बाद चलते इधर पे। हाँ जी, इस पोर्शन से लेके इंटरेस्टिंग पोर्शन जो है आपका मतलब स्टार्ट होता है, बवाल वाला इंटरेस्टिंग पोर्शन स्टार्ट होता है। मेरे को यह बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है, किसी को भी मतलब पानी पीना है पानी पी लो, और अगर आपको वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाके आओ आराम से, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले ये वाला पोर्शन, ठीक है। RBI के ना मतलब बहुत सारे चिट्ठे हम लोग खोलने वाले अभी, ठीक है। RBI क्या करता है, ठीक है, हर बंदा जो है इस दुनिया में वो मिस्टेक करता है, ऐसा नहीं कि अपना गवर्नमेंट मिस्टेक नहीं करता, गवर्नमेंट भी मिस्टेक करता है, और अपने को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर उंगली उठाना चाहिए, उसके ऊपर मतलब आंदोलन कर देना चाहिए, गवर्नमेंट आप कैसे मिस्टेक कर सकते हो वो अलग बात है, कि जब आप आंदोलन करने जाओगे ना लाठी मार के आपको घर में भेज देंगे वो अलग बात है, आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे गवर्नमेंट का वो अलग बात है, लेकिन अपने को करना है बस। तो पहले जो है ना, सुनो एक बात, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि पहले जो है, पहले भी बैंक्स जो है ना वो आंदोलन किए, और उसके साथ क्या हुआ मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो स्टार्ट करते इधर से, ओके, ग्रीन पेन यूज़ कर लेते, ग्रीन इंक। Although RBI had the mandate to issue a new banking license, it did not until 1994. तो RBI के पास क्या था, अथॉरिटी था कि वो बैंकिंग लाइसेंस जो है ना वो इशू कर दे किसी भी बैंक्स को, ठीक है, किसी भी बैंक्स को इशू कर दे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन भाई मेरे, लेकिन वो किया नहीं, कब तक, 1994 तक वो किया नहीं ये चीज़। When the dust over the financial crisis settled, it was also the time when markets were rocked by frauds in the non-banking finance companies. अरे येल्लो इंक लेते, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, क्या कहते हो, देखो मार्केट वेयर रॉक्ड बाई फ्रॉड्स इन दी नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज सेगमेंट। अभी क्या बताया यहाँ पे, कि मार्केट जो है ना उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे, बाय हुम, बाय दी नॉन बैंकिंग फिनेंस सेगमेंट, समझो नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज कौन है, जो कि बैंक नहीं है, जो कि बैंक नहीं है लेकिन वो फिनेंस देते हैं, फिनेंसिंग का सर्विस करते हैं, ठीक है, आपको लोन देते हैं, समझ में आ रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा कंपनी था जिस जो मतलब बहुत ही चर्चा में था, वो था CRB फिनेंशियल बीइंग द प्राइम एग्जांपल। इसमें क्यों ये बोला कि CRB फिनेंशियल बीइंग द प्राइम एग्जांपल, क्योंकि ये जो घटना घटा ना CRB का, मैं CRB का बता दूं आपको, CRB का होता है CR भंसाली, ठीक है, CR भंसाली के नाम से हम लोग जानते थे, एक फिनेंसिंग कंपनी था जो कि बहुत बड़ा घोटाले के टाइम पे उसको पकड़ा गया कि हाँ ये क्या करता था, मैं आपको बताऊं ये क्या करता था, CRB फिनेंशियल फिनेंस कंपनी था, वो क्या करता था, वो बहुत सारे जो है ना डमी कंपनीज खोल लेता था अपने अंडर, ठीक है, और जो है ना, और डमी कंपनी खोल लेता, डमी कंपनी इन सेंस की मतलब नाम तो रजिस्टर्ड है कंपनी का लेकिन असलियत में कंपनी है ही नहीं। अगर आपको बताऊँ मैं कि मेरा इस जगह पे कंपनी है, आप जाकर देखो वहाँ पे कंपनी है ही नहीं, कोई भी प्रकार का कंपनी है ही नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारा डमी कंपनी बना के कस्टमर्स को ना वो उल्लू बनाता था, ठीक है, उल्लू बनाता, और बहुत ज़्यादा क्या हो गया उसको, कस्टमर जो है उनका फिक्स डिपॉज़िट इतना ज़्यादा हो चुका था इस फिनेंस कंपनी में, कि वो जो है ना, जो फिक्स डिपॉजिट जो है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, मैच्योर होता है और उसको आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन CRB कंपनी जो है ना उसके पास पैसा ही नहीं था कि वो पेमेंट करे। ऑल्दो आपको भी पता है कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो आप आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन क्लेम योर फिक्स डिपॉजिट, है कि नहीं, लेकिन CRB के पास था नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड वाला चीज़ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये जो RBI है ना, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये वाला जो चीज़ है ना अच्छे से उसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया।
अच्छे से उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको अंदर का बात बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और वो क्या करने जा रहा था पता है, वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट ना करके वो सीआरबी को बैंकिंग लाइसेंस इशू करने जा रहा था, आरबीआई, समझ में आ रहा है, इशू करने ही वाला था, करने ही वाला था, जबकि बहुत बड़ा बवाल हो चुका था, उसके बाद नहीं हुआ। ये जो कंपनी था सीआरबी कंपनी, इसको वुंड अप कर दिया गया, वुंड अप मतलब उसको बंद कर दिया गया, समझ में आ रहा है। देखो, इट वॉज ए प्रोविडेंशियल एस्केप फॉर द आरबीआई व्हिच वॉज अबाउट टू गिव ए बैंकिंग लाइसेंस टू सीआरबी एज वेल। ठीक है, तो सीआरबी को बैंकिंग लाइसेंस देने ही वाला था लेकिन दिया नहीं, ठीक है, तो बच गया आरबीआई, है कि नहीं। उसके बाद देखो घोटाला क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूशन सच एज आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड यूटीआई वेर गिवन लाइसेंस, इनको लाइसेंस मिला। अदर्स हु मैनेज्ड वेर सेंटुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, इंडसलैंड बैंक एंड हिंदुजस। बैरिंग इंडसलैंड, ऑल दी अदर्स आर मर्ज्ड इनटू अनदर बैंक। इंडसइंड बैंक को छोड़ के बाकी जो सारे बैंक से उनको मर्जर कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि सेंटुरियन बैंक, ये आप सुन रहे हो उसका नाम, अभी कभी सुना है आपने, नहीं ना, उसको मर्जर कर दिया गया, समझ में आ रहा है, मिला के एक बैंक बना दिया गया। सेंटुरियन बैंक को, बैंक ऑफ पंजाब को, टाइम्स बैंक को, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को, ठीक है, हिंदुजस बैंक को, इन सब को क्या कर दिया गया, एक मर्जर करके एक अनादर बैंक के रूप में उन्होंने कर दिया ये चीज़। उसके बाद देखो क्या हुआ कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो है ना, ये वाला बंदा, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। तो ये जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है ना, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, इसने क्या किया यार, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ जी, इट वॉज द फर्स्ट वन टू ब्लो अप अमॉन्ग्स द न्यू एज बैंक, मतलब सबसे बड़ा स्कैंडल इसने किया था, सबसे पहले न्यू एज बैंक है, ठीक है, नया नया जो बैंक निकला था तब। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वॉज द फर्स्ट वन टू blew up amongst the new age bank in the midst of this scandal. It raised question about RBI. ठीक है, तो इसने क्या किया, हाँ जी, इसने क्या किया, इसने तो स्कैंडल किया है, ठीक है, तो जो पब्लिक है ना वो सवाल उठाने लग गए किसके ऊपर, RBI के ऊपर, कि बेटा आपका जो सारे जो बैंक्स है वो तो स्कैंडल करने में लग गए, ठीक है, RBI के जजमेंट के ऊपर सारे क्या करने लग गए, क्वेश्चन करने लग गए, समझ में आ रहा है, सब RBI को गाली दे रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम बेटा, हर कोई मतलब स्कैंडल करके जा रहा है। तो आरबीआई जो है उनको पता चल गया है कि बट द सेंट्रल बैंक वॉज क्विक इनफ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड मर्ज इट विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इन 2004। क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक को पता चल चुका है कि यार ये बैंक तो बहुत दिक्कत दे रहा है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, तो उसने क्या किया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ इसका क्या करा दिया, मर्जर करा दिया इन 2004। ठीक है, 2004 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्जर करा दिया गया। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर आपने तो बोला था सर्टिन बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, ग्लोबल, इन सबको मर्जर करा के एक करा दिया, मैंने आपको ये, हाँ ये सही है कि सबका मर्जर हुआ है, लेकिन इन सबका मर्जर एक दूसरे के साथ नहीं हुआ है। जैसे कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ है, मैंने बताया यहाँ पे आपको, हाँ जी बताओ फटाफट, हाँ जी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ उसका मर्जर हुआ है। तो सर्टिन बैंक, सेंटुरियन बैंक, टाइम्स बैंक और इंडसइंड बैंक, ठीक है, ये सारे जो बैंक है, इंडसइंड बैंक का तो खैर हुआ नहीं, हिंदुजस बैंक, इन सब का जो बैंक्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बैंक के साथ मर्जर हुआ है, हम आगे पढ़ने के टाइम के आपको पता चलेगा।